हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करूंगी ये रेमिंगटन का 2-in-1 हेयर स्ट्रेटनर प्लस कर्लर। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। इसकी जो रॉड है, मतलब जो स्ट्रेटनर का वो आउटर वाला हिस्सा है ना, बाहर वाला, वो भी हीट हो जाता है, तो आप ईजिली इसको एज अ कर्लिंग रॉड भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो मैं आप लोगों को बाल स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ। मेरे जबकि वैसे भी स्ट्रेट हैं, तो इतना कोई आप लोगों को डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को अपने बाल कर्ल करके दिखाऊंगी। बट इसने स्ट्रेट भी काफ़ी अच्छे से कर दिए थे, और मैंने इसको लो हीट सेटिंग पर रखा हुआ था, अभी 180 पे रखा था सिर्फ। अब यहाँ पे मैं इसको 180 पे ही कर्ल करूँगी अपने बालों को, और आप लोग देखिएगा कितने मज़े से और कितने स्मूथली इसने मेरे बालों को कर्ल कर दिया था। अब मैंने इनको कर्ल करने से पहले कोई हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे नहीं लगाया या कोई भी सिरम नहीं लगाया। ये शाइन जो है ये मेरे बालों की अपनी है, और स्ट्रेटनर के मतलब बाल कर्ल करने के बाद ये शाइन जो थी वो एंड तक रही थी मेरे बालों में। इस कर्लर और स्ट्रेटनर ने मेरे बालों को बिल्कुल वो डैमेज नहीं किया, डैमेज इन द सेंस कि बिल्कुल अकड़ावा नहीं फील हुआ मुझे, बल्कि मेरे बाल बहुत स्मूथ मुझे फील हुए थे आफ्टर यूजिंग दिस। नाउ दिस इज़ हाउ आई यूजुअली कर्ल माई हेयर। मैं छोटे छोटे सेक्शंस लेती हूँ अपने बालों के और उनको इस तरह से कर्ल करती हूँ। आई यूजुअली लाइक लूज कर्ल्स, तो मैं इसलिए एंड एंड से ज़्यादा उनको फोकस करती हूँ कर्ल्स को। और ये देखिए उसने कितने मज़े से, मतलब कितना स्मूथली जो है मेरे बालों को स्ट्रेटनर ने कर्ल किया था। और मैं अब स्ट्रेटनर की बैक साइड पर अपने बालों को इस तरह से प्रेस कर रही थी ताकि वो अच्छे से कर्ल हो जाए। और आफ्टर यूजिंग दिस मेरे बाल जो थे बहुत शाइनी, बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट फील हुए थे, एंड द कर्ल्स लास्टेड फॉर अ होल डे। मेरे बालों में कर्ल्स बिल्कुल नहीं टिकते, वो फ़ौरन से खुल जाते हैं। बट इसको यूज़ करने के बाद आई डिड नॉट अप्लाई एनी हेयर स्प्रे टिके बालों, बाल जो हैं वो टिके रहे। मैंने कोई हेयर स्प्रे नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, एंड इवन देन पूरा दिन मेरे बालों में कर्ल्स रहे थे जब तक मैंने उनको वॉश नहीं किया। अब यहाँ पे मैं अपने बालों की दूसरी साइड कर रही हूँ। अब ये आप लोग याद रखिएगा कि मैं बिल्कुल लो हीट सेटिंग पे अपने बालों को कर्ल कर रही हूँ। इसकी काफ़ी ज़्यादा तक हीट जाती है, तो अगर आपके फ्रिजी बाल हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये उनको स्ट्रेट करने में काफ़ी अच्छा काम करेगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि इसने मेरे बालों के लिए कर्ल्स इतने अच्छे कर लिए थे और बिल्कुल इसने लो हीट सेटिंग पे मेरे बालों को इतना टाइट और इतना प्यारा कर्ल किया था। अभी तो मैं इनको बहुत लूज़ कर्ल कर रही हूँ, बट ये टाइट कर्ल भी बहुत प्यारे करेगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। अब इस स्ट्रेटनर के मज़े की बात मुझे ये लगी थी कि ये, मतलब मुझे इतना स्मूथ इससे फील हुआ था मेरे बाल कि मैंने पहले कभी ऐसा कोई स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया जिससे मेरे बाल इतने स्मूथ और इतने सॉफ्ट फील हो। हमेशा स्ट्रेटनर यूज़ करने के बाद या कर्ल्स करने के बाद बाल जो हैं वो हल्के से उनमें ना एक फ्रीजीनेस या फिर वो सख्त से हो जाते हैं, बट इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल बिल्कुल एंड तक सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की रहे थे। एंड यू गाइस कैन सी कि शाइन कितनी प्यारी आई हुई है मेरे बालों में। एंड ये है हमारे पास जी एंड रिज़ल्ट, एंड यू गाइस कैन सी कि कितना खूबसूरत इसने मेरे बालों को कर्ल किया। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस हेयर स्ट्रेटनर स्लैश कर्लर, एंड इट इज़ जस्ट फॉर 2000 रुपीज़। कैन यू गाइस बिलीव इट कि कितना अफोर्डेबल है और कितने अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई दिस आउट। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू परचेज अनदर पीस ऑफ दिस, क्योंकि मामा को भी बहुत पसंद आया एंड वी बोथ लव इट। और इसने देखे मेरे बालों को कितनी प्यारी शाइन दी है और कितना प्यारा उसने कर्ल किया है, और बाउंस भी कितना अच्छा आया था मेरे बालों में। कभी बाउंस नहीं आता, बट इससे मेरे बालों में काफ़ी प्यारा बाउंस आया था, एंड आई एम इन लव विद इट। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई दिस आउट। इट इज़ जस्ट फॉर 2000 रुपीज़ ओनली। तो आप लोग ये परचेज़ कर सकते हो फ्रॉम बाय स्मार्ट, एंड वहाँ पे आप लोग इसको बाय कर सकते हो फॉर 2000 रुपीज़। आई एम प्रीटी श्योर बाकी पेजेस के पास भी होगा ये स्टॉक में, बट द पेज दैट सेंट मी दिस वाज बाय स्मार्ट, एंड मैं उसी को रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने किसी और पेज का ये वाला स्ट्रेटनर नहीं ट्राई किया। सो डू चेक दैट पेज आउट। आई वुड हाईली रिकमेंड द स्ट्रेटनर, इट वर्क्स रियली नाइसली स्ट्रेट करने के लिए भी और कर्ल करने के लिए, तो ज़बरदस्त है। और मेरे बाल क्योंकि हैं बहुत लंबे, तो इनको अगर मैं किसी नॉर्मल कर्लिंग रॉड से कर्ल करूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, और किसी नॉर्मल स्ट्रेटनर से करती थी तो मुझे काफ़ी टाइम लगता था, बट इससे मेरा टाइम जो था वो काफ़ी हाफ हो गया था, क्योंकि इसकी हीट इतनी अच्छी थी कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा अपने बालों को कर्ल करने पे, और विद इन 10 मिनट्स मेरे सारे बाल जो थे वो अच्छे से कर्ल हो गए थे। अब ये मैंने बिल्कुल लूज़ कर्ल्स किए थे, आई एम टेलिंग इट वंस अगेन, बट आप लोग देखिए कितना प्यारा वॉल्यूम आया और कितनी एक जो है बाउंस आ गया मेरे बालों में, और एक बहुत ही मज़े का शाइन भी बहुत खूबसूरत आई है।
तो ये है बैक से मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपने बाल एंड आई एम टोटली इन लव विद हाउ माय हेयर लुक्स. इट फील्स सो सॉफ्ट, सो स्मूथ एंड जस्ट अमेजिंग. सो दैट्स इट फॉर माई रिव्यू. आई होप कि ये हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए एंड आई रियली एंजॉयड यूजिंग दिस एज अ कर्लर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. आई लव यू ऑल. बाय बाय.